पानी जा रही है। ओ भैया ओ भैया ए भैया, सीबीआई की टीम बाहर निकलते हुए, सीबीआई की टीम बाहर जाते हुए देखिए, एक गाड़ी में चार लोग हैं, ड्राइवर सहित एक महिला है, और दूसरी गाड़ी में देखिए फिर एक महिला है, और पीछे गाड़ी, और देखिए किस तरीके से सीबीआई की जो टीम है निकली, और बाहर जो समर्थक है वो हुटिंग करते हुए दिख रहे हैं, और सीधे तौर पर सीबीआई की टीम जो है किस तरीके से सीबीआई की दोनों गाड़ी निकली, और यही दोनों गाड़ी थी जिससे सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंची थी। सीबीआई की जो जांच थी, जो पूछताछ थी, वो खत्म हो रहा, अब सीधे तौर पे सीबीआई की टीम वापस आ गई है, पूछताछ राबड़ी देवी से खत्म हो गया है। तकरीबन 10:15 बजे से जो पूछताछ चल रही थी वो अब जाके खत्म हुई। हमारे सहयोगी आर्यन हमसे जुड़े गए। आर्यन, पूछताछ खत्म हो गई? देखिए 5 घंटे की जो पूछताछ थी वो खत्म हुई है, और जिस तरीके से सीबीआई की टीम निकली है, देखिए दो और गाड़ी थी, चार गाड़ियां थी जी, दो गाड़ी वहाँ पीछे, दो गाड़ी अंदर गई थी, बाकी की जो टीम थी वो अलग गाड़ी से निकल गई सीधे तौर पे। जो 5 घंटे की पूछताछ थी इस दौरान राबड़ी देवी से कई सवाल जो थे वो पूछे गए थे। राबड़ी देवी को लंबे वक्त से समन दिया गया, लेकिन सीबीआई के किसी भी समन का जवाब नहीं मिला। तो अब आज जब पूछताछ हुई है, देखिए जो अंदाज भागने का रहा सीबीआई की टीम का, वो जान रहे थे कि जो आक्रोशित समर्थक है राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव के, उनके से कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ेगी, और लगातार सीबीआई के खिलाफ जो नारेबाजी है वो हो रही थी राबड़ी आवास के बाहर। और अब 5 घंटे की जब पूछताछ खत्म हुई है तो सीबीआई की टीम निकली, चार गाड़ियों से ये टीम पहुंची थी गणेश, जिसमें दो गाड़ियां जो थी अंदर गई थी और दो गाड़ियां बाहर। बिल्कुल, देखिए आर्यन, टीम में दो महिला सदस्य थी क्योंकि महिला से पूछताछ करना था, इसके अलावा मेल पर्सन थे। पहली गाड़ी में 3 लोग सवार थे, ड्राइवर को लेकर 4 लोग थे, जिसमें 2 पुरुष, 1 महिला और 1 ड्राइवर जो चालक थे। दूसरी गाड़ी में आगे वाली सीट पर एक महिला अधिकारी बैठी हुई थी, डीएसपी थी, आईजी रैंक के अधिकारी थे, और केस की जो आई है वो मौजूद थी। जो बात खुद सुनील सिंह बता रहे थे, सुनील सिंह ने कहा कि जो सीबीआई की टीम आई थी वो मुख्य सवाल को छोड़कर अन्य तरीके की सवाल, जो टाइम काटने वाला जो सवाल है वो किया जाता है, और यही वजह है कि सुनील सिंह कह रहे थे कि होली के मौके पर सीबीआई की टीम मजाक उड़ा रही है, मजाक कर रही है। और इस बीच राबड़ी देवी अब सीधे तौर पर विधान परिषद के लिए निकल चुकी हैं, वो भी तस्वीरें अपने सहयोगी आ रहे हैं, देखिए किस तरीके से, क्योंकि विधान परिषद जाना था और हम पहले से कह रहे थे कि 2:30 बजे तक ये जांच खत्म होगी और राबड़ी देवी सीधे निकलेंगी, और देखिए राबड़ी देवी अब विधान परिषद के करते हुए दिख रही, और तैयारी पहले शुरू हो गई थी, और जो टीम है वो निकल गई। राबड़ी देवी जाती हुई, देखिए चेहरे पर राबड़ी देवी, मैडम मैडम मैडम, तो राबड़ी देवी ने हाथ हिलाते हुए किया, और ये बता रही कि जो जांच रिपोर्ट है, जिस तरीके के सवाल पूछे गए थे, उन तमाम सवालों से राबड़ी देवी विचलित नहीं है। ये मैसेज देने की कोशिश है कि ऑल इज वेल, कोई थकान नहीं। राबड़ी देवी के चेहरे पर मुस्कान थी और राबड़ी हाथ हिलाते हुए निकल गई। तो यानी जो 10 सर्कुलर आवास में सुबह से जो पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही थी, उनके जाने के बाद राबड़ी देवी विधान परिषद पहुंची है, और अब विधान परिषद में राबड़ी देवी क्या कुछ कहती हैं वो देखना दिलचस्प होगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।